हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और गुड मॉर्निंग। तो बाहर बिल्कुल सुबह का टाइम है, बज रहे होंगे 7:30 करीब के बज रहे होंगे। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ आज झाड़ू पोछा। आज नहीं, रोज ही करती हूँ, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही होने वाला है, क्योंकि आज रात को आई थी भयंकर वाली आंधी। इतनी तेज आंधी आई थी कि बस पूरा घर धूल धूल से भर गया है। और धूल देख के मुझे तो पता नहीं क्या हो जाता है कि मेरे दांत किस किस आने लगते हैं। ऐसा लगता है जल्दी से उठ के पहले यही काम करो, फिर बाद में जो भी कुछ होना है करना है। बस चाय बना के मैंने सीधा यही लगी हूँ। मैंने कहा पैर किस आ रहे थे, तो यहाँ पे जो कुर्सी वगैरह सब कुछ धूल से हो गई थी, क्योंकि पता ही है आपको ऊपर जाल चौड़ा है। और वही खुले घर में यही तो हो जाता है कि पूरा घर धूल से भर जाता है। नीचे तो अब इतनी नहीं आती, क्योंकि नीचे हमारा जो जाल छोटा हो गया ना, तो नीचे उतनी धूल नहीं आती है, ऊपर काफ़ी होगी। और राघव यहाँ पर जग के आ चुके हैं, बिल्कुल अभी भी जग के आया है ये। और आज है माता का 5वां नवरात्र, तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं माँ के नवरात्रि की 5वीं की। और यहाँ पे बस ये साफ़ सफाई शुरू हो गई है, पूरा घर धूल से भर गया था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। एक तो क्या होता है ना, जैसे मैंने बताया कि मेरे दांत किस किस आने लगते हैं, तो फिर समझ नहीं आता कि बस क्या करूँ। तो यहाँ वही झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह चल रही है, दीवार वगैरह पे भी धूल काफ़ी हो गई थी। और आप देख सकते हैं सीमेंट वगैरह तो दीवार पे है ही, अभी नहीं कुछ हुआ है। और पेंट वगैरह तो होगा सब दीपावली से पहले ही होगा, अभी तो नहीं कुछ हो रहा है, काम रोक रखा है। एक्चुअली कोरोना की वजह से भी ये दूसरा, मतलब समझ सकते हैं, अभी काम बंद ही करा दिया था हम लोगों ने। और फिर दूसरा कोरोना इतना भयंकर फैला हुआ है ना कि डर लगने लगा है। अब तो जब देखते हैं ना, फ़ोन में देखते हैं कि ये और ऐसा हो रहा है, शमशान में जगह भी नहीं है, सच बता रही, दिल दहल जाता है। और आप लोगों से एक बात भी मुझे करनी थी कि मैंने कल देखा था, कल की वीडियो पे बहुत सारे मुझे कमेंट बहुत अच्छे अच्छे से आए हैं। कल नहीं, वैसे मुझे हमेशा ही बहुत अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट करते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे करते हो, सच बता रही हूँ ना। कभी कभी तो मेरी आप लोगों के कमेंट पढ़ के मेरी आँखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, मैं हंस रही हूँ, लेकिन सच बता रही हूँ, मेरी आँखों में आंसू आ जाते हैं कि इतना अच्छे अच्छे कमेंट आप लोग करते हो, कितना प्यार करते हो, कितना सपोर्ट करते हो। तो मैंने कहा आज तो भाई मैं कहूँगी ज़रूर, मतलब मजबूर कर दिया आप लोगों ने मुझे कहने के लिए, कि सच बता रही हूँ, कुछ मिले ना मिले यूट्यूब से, लेकिन हाँ आप लोगों का प्यार तो बहुत मिल रहा है। बहुत अच्छे अच्छे मेरे फ्रेंड मिले हैं मुझे, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब से भी, जिन जो यूट्यूब पे काम करते हैं वो भी, और जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। इतने अच्छे कि बस मैं, मतलब ये करता है ना, बार बार कमेंट पढ़ना आपके, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब इतनी ब्लेसिंग देते हो कि भगवान आपको तरक्की दे, ये मतलब बहुत अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं। मैं किसी दिन कमेंट रीड भी करूँगी कभी हुआ तो। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी, डस्टिंग तो हो गई थी, सारे जो है दीवार वगैरह सब कुछ ले लिया था मैंने, और अब लगा रही हूँ झाड़ू। आपको मैं दिखाऊँगी कितना बारीक जो है रेत था घर में, कितना बारीक था। दिन में कहीं कम से कम 3-4 बार झाड़ू लगी जाती है। अभी वैसे भी गर्मी आने वाली है, तो आज दिन तो यही रहेगा, ये तुम्हारे आंधी का चक्कर तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, कभी आ गई कभी नहीं आई, यही चीज़ रहेगी। तो बस चलिए, झाड़ू लगाने के बाद पोछा वोछा लगाना है मुझे। ये देखिए आप कितना सारा, ये देख रहे हैं ना आप कितना सारा गंदगी, कितना सारा रेत है यहाँ पे, बहुत सारा है। मैं दोबारा से ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है, रेत तो बिल्कुल भी पसंद नहीं मुझे ज़रा भी हो। तो ये देखिए कैमरा है, आप समझ सकते हैं कृष्णा के हाथ में, जो कि काफ़ी हिल रहा है, वो ऐसे ही करता है, बहुत ज़्यादा कैमरा हिलाता है। और चलिए, तो और यहाँ देखिए इन शैतानों को, दोनों टप में, कूलर के टप में नहा रहे हैं मजे लेके, बाथ टब बना लिया इन्होंने इसको। ये समझ रही है 2 दिन से राघव तो पीछे पड़ा था, मम्मा मुझे इसमें नहाना है, मुझे इसमें नहाना, लेकिन 2 दिन से हमारे यहाँ पानी लाइट की प्रॉब्लम ज़्यादा थी, तो आज हमने मतलब नलाए थे अच्छे से, पानी बन को भर ही दिया था, तो ये इन्जॉय कर रहे हैं इसमें। आज मैं आपको फिर माता रानी की भेंट सुनाऊँगी, क्योंकि मुझे कल कमेंट आया था, आप लोगों ने पसंद भी बहुत किया था माता रानी की भेंट, और मुझे कमेंट स्पेशली आया था कि आप जब तक नवदुर्गे चल रहे हैं एक भेंट जरूर सुना दिया करो। तो मेरा कुछ नहीं जाता यार, अच्छी बात है ना, मैं तो इसलिए नहीं करती थी कि आप लोग कहेंगे क्या ये भाई भजन लेके बैठ जाती है, लेकिन आप लोगों को अच्छा लगा है तो मैं सुना दिया करूँगी। 4-5 दिन की बात है, एडजस्ट कर लेना, सुन लेना, ठीक है ना। तो चलिए एक सुंदर सी भेंट माँ की शुरू करती हूँ, बहुत ही प्यारी भेंट है वो,
दिल से गाई हुई है, बहुत प्यारी है, तो चलिए शुरू कर देते हैं। जय माता की। जय जय जगदम्बी माँ, जय मात भवानी है, मझधार में नैया पड़ी, तुम्हें पार लगानी है। जय जय जगदम्बे माँ, जय मात भवानी है, मझधार में नैया पड़ी, तुम्हें पार लगानी है। क्या भेंट करूं तुमको, मैं खुद ही भिखारन हूँ, तेरे चरणों में आई हूँ, माँ तेरी पुजारन हूँ, चरणों में आई हूँ, लेके पान फूल संग में, मझधार में नैया पड़ी, तुम्हें पार लगानी है। जय जय जगदम्बे माँ, जय मात भवानी है, मझधार में नैया पड़ी, तुम्हें पार लगानी है। माँ तुमने हजारों की तकदीर बना डाली, जो दर पे तेरे आया वापस न गया खाली, तेरी शरण में आई हूँ, माँ तेरी जिंदगानी है। मझधार में नैया पड़ी, तुझे पार लगानी है। जय जय जगदम्बे माँ, क्यों देर करी तुमने, माँ सिंह सजा लाओ, क्यों देर करी तुमने, माँ सिंह सजा लाओ, भटकी हुई चांदनी में मारा खा जाओ, राहों में अंधेरा है, तुम्हें राह दिखानी है। मझधार में नैया पड़ी, तुम्हें पार लगानी है। जय जय जगदम्बे माँ, जय मात भवानी है, मझधार में नैया पड़ी, तुम्हें पार लगानी है। जय माता की। कैसी लगी भेंट जरूर बताना, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए अभी कुछ और काम कर लेते हैं। सोच रही हूँ आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूँ, बढ़िया सी व्रत वाली, ठीक है ना। तो मैं ये सोच रही थी कि अभी इन दिनों आपके साथ एक रेसिपी और एक माता की भेंट डेली कोशिश करूँगी, शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। रेसिपी डेली नहीं, व्रत की तो भजन तो रोज सुना ही दिया करूँगी। तो चलिए अभी और काम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम आपके साथ शेयर करें एक रेसिपी, तो जिसमें मैंने लिया है समा के चावल का आटा 1 कटोरी, उसमें 1.5 कटोरी मैंने पानी ऐड किया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। समा के चावल का आटा आप बाज़ार से भी ले सकते हैं या घर पे भी आसानी से बन जाता है। आप कहेंगे तो कभी मैं आपको बना के दिखा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है और चावल के आटे को अच्छे से घोल दिया है, यानी 1 कटोरी मैंने लिया है आटा, आप समझ लीजिए, और 1.5 कटोरी पानी है इसमें।
तो एक चम्मच घी डाला है कढ़ाई में, थोड़ा सा कैमरा सेट अच्छे से नहीं हो पाया है, और इसको मैंने अच्छे से घोल लिया है, बिल्कुल गांठे वगैरह ना पड़ रहे इसमें। और इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक, बाकी मैंने इसमें भी कुछ भी मसाला ऐड नहीं किया। आप चाहे थोड़ा जीरा भी डाल सकते हैं या काली मिर्च भी डाल सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम वो डाल करके नमक और कढ़ाई में डाल देंगे, जैसे ही हमारा घी पिघल जाएगा। तो अब इसको लगातार हमें चलाना है, ये ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, लगातार जब तक चलाना है जब तक कि जो है गाढ़ा ना हो जाए, डो की फॉर्म में ना आ जाए। यहाँ पे कैमरे का रिफ्लेक्शन थोड़ा सा लाइट का ज़्यादा लग रहा है ना, अजीब सा लग रहा है मुझे, एडिट करने में थोड़ा सा पता चला था, तो यहाँ लाइट ज़्यादा ही हो रही है कुछ, तो एडजस्ट कर लेना प्लीज़। तो यहाँ ना इस तरीके से लगातार चलाते जाएंगे, इसको चलाते जाएंगे, ये गाढ़ा होता जाएगा। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, और इस तरीके से ये आटे की फॉर्म में आ गए, से डो लगाते ना उस तरीके से। तो इस देखिए बिल्कुल कढ़ाई ने छोड़ दिया है, बहुत आसान है इसको बनाना। तो इसको ठंडा करने के लिए मैंने इसको एक कटोरे में निकाल दिया है, जिससे कि ये ठंडा हो जाए। अभी तक अभी इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, पहले इसको ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे इसको मैंने निकाल दिया है कटोरे में, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हमने लिए यहाँ पे 5-6 आलू उबले हुए, और इनको हमें मैश करना है, यानी यहाँ से मैश कर सकते हैं, या फिर आप जो अदरक वगैरह का होता है उससे भी आप मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आलूओं को मैश कर लेंगे, 5 से 6 आलू लिए हैं मैंने, तो उनको मैश करके यहाँ पे जो आटा था वो देखिए हमारा ठंडा हो चुका है। तो इस तरीके से आटा हो गया है, इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने आलू मैश किए थे ना वो, ये देखिए। और थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची, और आप चाहें तो इसमें जैसे काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, अदरक भी ऐड कर सकते हैं, और तो कोई सब्ज़ी नहीं पड़ेगी क्योंकि व्रत है। थोड़ी सी काली मिर्ची ऐड कर दी है, और थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हमने नमक जो है वो चावल के आटे में भी डाला था ना, तो थोड़ा सा ऐड ऐसे करना जैसे कि आप आलू के हिसाब से नमक रखिएगा, कि मतलब ठीक रहे, ज़्यादा ना हो जाए। तो अब इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है, बहुत अच्छे से आलू और आटे को, जैसे कि एक बिल्कुल समान हो जाए, और एक आटे जैसे जैसे हम डो लगाते हैं ना रोटियों का, उस तरीके से ये हो जाए। तो इस तरीके से आपको इसे मैश करना है, ये देखिए होता जा रहा है ना, बहुत अच्छे से हो गया था। तो इस तरीके से आप इसको रख दीजिए एक साइड में आटे जैसा लगा करके। इससे हम बनाने वाले हैं आज समा के चावल की कचौड़ियाँ, तो बहुत टेस्टी बनती हैं। और यहाँ पे कढ़ाई में मैंने ऑयल कर लिया था, तो अब मैं बताती हूँ आपको बनाने का तरीका। हाथ पे ले लीजिए थोड़ा सा ऑयल, और हाथ को चिकना कर लीजिए, फिर इसको बनाइए। ये डाल दीजिए इसमें कढ़ाई में, ये देखिए इस तरीके से। आप इसको आलू भर के भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा भर जाता है। इस वाली कचौड़ी में ना आप यकीन मानिएगा बिल्कुल भी ऑयल नहीं भरता है, ऐसी नहीं लगती है कि ये कचौड़ियाँ हम बनाएं तो ऑयली ऑयली हो जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं रहती, बहुत अच्छी और लाइट रहती हैं, और बढ़िया भी, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो इस तरीके से मैंने इसको हाथ से ही बनाया है, आप हाथ से ही बनाएं, जैसे आप पे नहीं बननी तो आप पॉलीथिन पे भी बना सकते हैं, तो वैसे हाथ पे आसानी से बन जाती है। ये देखिए मैंने इसको भी तुरंत नहीं पलटना है हमें से, जैसे ये तो मेरा पक चुकी थी ना, थोड़ा सा नीचे से आप कढ़ाई छोड़ने लग जाए ना फिर आप इसको पलटिएगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखा है, तेज़ ना रखें, तेज़ रखने से क्या होगा, ऊपर से तो कलर उसका चेंज हो जाएगा, अंदर से अच्छी नहीं सिक पाएंगी। तो ये देखिए जो साइड में है वो भी मैंने इसको बिल्कुल नहीं पलटा है, क्योंकि चिपकी हुई है थोड़ी सी, अपने आप छूट जाएगी थोड़ी सी देर में। तो ये देखिए वो छूट चुकी थी, उसको मैंने पलट दिया है। अब बस इसको अच्छी तरीके से दोनों साइड से करारा होने तक आपको सेकना है, बहुत टेस्टी लगती है, आप एक बार बना के देखना, बहुत यम्मी लगती है। तो यहाँ देखिए मैंने धीमी में आँच पे इसको सेका है, इससे आलू की कचौड़ी वगैरह में थोड़ा सा ऑयल बढ़ जाता है ना, इसमें बिल्कुल भी नहीं भरता है। तो यहाँ देखिए हमारी जो कचौड़ियाँ हैं वो सिक चुकी है, इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ये थोड़ा सा रह गया था, मैं इसको भी सेक लूँगी पलट के। ये भी सिक चुकी है, इसको हमने निकाल लिया है कलछी में। यहाँ मैंने दूसरे जो था ना इसमें मैंने आलू भर के बनाया था, तो वो भी ठीक बनी थी, बिल्कुल भी फूटी नहीं थी, लेकिन ये है कि आलू से थोड़ा सा ये रहता है फूट जाती है, थोड़ा सा डर रहता है। यहाँ पे लग चुकी है प्लेट, ये देखिए कितनी अच्छी थी, आलू वाली हैं और वो वैसी हैं। ये सब्जी दही चटनी किसी के साथ दिखाइए, कैसी लगी रेसिपी, कैसा लगा वीडियो, ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, राधे राधे।